हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रेमा क्लासेस में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट की। ये मेरी क्लास जो है सेकंड है, इसके पहले मैं इसका पार्ट फर्स्ट दे चुका हूं जो आपके द्वारा काफी पसंद किया गया, और ओवरऑल क्लास मेरी ये 7 है। ठीक है, तो आप मात्र 2 या 3 सेकंड में कोई क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर पाएंगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो सपोज डेट आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है z -4 mod z -4 और + mod z -12। सपोज डेट ये क्वेश्चन दिया है, इसकी कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप मात्र 2 या 3 सेकंड में कैसे फाइंड करेंगे बताइए। ठीक है, सॉल्व कीजिए। यदि आप इसको फॉर्मूला में लगाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन यही यदि आप ट्रिक्स की सहायता से करेंगे तो मात्र 2 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो सपोज डेट ये आपको क्वेश्चन दिया है, तो इसका आप ये 4 देखिए और ये 12 देखिए, इनको जो है आपको यदि यहां माइनस है तो प्लस के रूप में बाहर निकालना है, और यदि प्लस है तो माइनस के रूप में बाहर निकालना है। ध्यान दीजिएगा, प्लस है तो माइनस और माइनस है तो प्लस, तो ये माइनस है, माइनस में मतलब प्लस बाहर निकल आएगा 4, और ये है 12 माइनस का है तो ये भी 12 प्लस के रूप में बाहर निकल जाएगा। और इसको हमें रखना है असेंडिंग क्रम में, किस में रखना है, असेंडिंग क्रम में रखना है, मतलब कि पहले 4 फिर 12, ये रखा है असेंडिंग क्रम में, तो रखा है सपोज डेट यहां पे 12 होता, यहां पे 12 होता, यहां पे 4 होता, तो 4 हम इधर ले आते और 12 को यहां ले जाते। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, और अब सीधे 12 में 4 को सब्ट्रैक्ट कर देना है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 8, मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई इसमें वो नहीं है, मात्र 2 या 3 सेकंड में आप इसको फाइंड कर सकते हैं। चलिए, सपोज डेट यदि आपको दिया है z -12 और + z - +6 दिए है, अब इसकी कह रहा है मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो सीधे सीधे मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, 12 को बाहर निकालिए प्लस के रूप में, ये बाहर निकलेगा, 6 जो है माइनस के रूप में, तो अब इसको असेंडिंग क्रम में बाहर लिखना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग क्रम में ये 6 माइनस का है, 12 प्लस का है, तो 12 उधर चला जाएगा, 6 इधर आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, तो माइनस का 6 और 12 मैंने यहां रख लिया, अब 12 में 6 को घटा देना है, अर्थात 12 माइनस का 6 इज इक्वल टू 12 प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 6 इज इक्वल टू 18। आंसर क्या आ गया हमारा, 18, अर्थात इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 18 है। आप फॉर्मूला की सहायता से करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा आपको, इसलिए ये ट्रिक्स अपनाइए, ये हमारा ट्रिक्स जो है फर्स्ट है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। अच्छा, सपोज डेट यही क्वेश्चन यदि कुछ और दे दे, सपोज डेट ये 2 डिजिट का ना दे करके 3 डिजिट का दे गए, ठीक है, ध्यान दे 3 अंकों का दे गए, या z -1 ये प्लस z + 4 और प्लस का z - 10 दे दे, इसकी कह दे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कीजिए, तो आप कैसे फाइंड करेंगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, तो सिंपल सी बात है, जो भी मैंने बताया है उसको पहले कीजिए, अर्थात -1 है तो +1 आ जाएगा, -4 आ जाएगा और ये +10 आ जाएगा, इसको असेंडिंग क्रम में बाहर रखना है, अर्थात -4 फिर 1 और फिर 10। ठीक, और अब इसको जो है बीच वाले को छोड़ दीजिए और इसमें इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल सा, अर्थात 10 -का 4 इज इक्वल टू 14 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक्स है। यदि आपको मैक्सिमम वाली कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो आप बीच वालों को छोड़ दीजिए, जितने भी बीच वाले उन्हें छोड़ दीजिए, लास्ट की और पहली डिजिट लेकर के घटा दीजिए, लेकिन हाँ ध्यान दीजिएगा असेंडिंग क्रम में जरूर लिखना है पहले, ठीक है, बाद में जो निकालोगे उसके बाद असेंडिंग क्रम में जरूर लिखना है। आई होप आप ये समझ गए होंगे, समझ गए हो तो प्लीज लाइक कीजिए और इसे एक बार शेयर जरूर कीजिए। चलिए सेकंड ट्रिक्स पर चलते हैं, सेकंड ट्रिक्स क्या है मैं बताने वाला हूं, तो एक नोट पॉइंट है, आप लिख लीजिएगा कि आई के लगातार 4 पावर्स का जो योग होता है वो हमेशा 0 होता है। क्या होता है, आई के लगातार 4 पावर्स का योग जो है 0 होता है, अर्थात i + i² + i³ + i⁴ इज इक्वल टू 0 होता है। ये आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, और इस कॉन्सेप्ट के साथ यदि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। देखिएगा, i⁴ i 1 0 1 हो जाएगा, प्लस i² मतलब कि माइनस हो जाएगा यहाँ पे,
और प्लस आई क्यूब मतलब कि माइनस का आई हो जाएगा और प्लस आई के पावर फोर मतलब कि प्लस का वन हो जाएगा। अब देखिए वन वन ये जीरो हो गया, आई और माइनस आई ये जीरो हो गया, अर्थात आई की लगातार चार पावर्स का योग, क्रमागत चार पावर्स, ध्यान दीजिएगा आई के पावर वन टू थ्री फोर इस तरह हो, ध्यान दीजिएगा, तो उनकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। चलिए सेकंड है, यदि आपको मॉडुलस फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे, आप मॉडुलस फाइंड कर लेते हैं, आप सिंपल से कहेंगे कि मॉडुलस फाइंड करना है तो इसको कुल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट में, मैं भी कहता हूं यही होता है, लेकिन आपको कुछ कॉन्सेप्ट है यहाँ पर वो क्लियर करना है, ध्यान दीजिएगा कुछ कॉन्सेप्ट है वो क्लियर करना है, मॉडुलस कैसे फाइंड करते हैं। चलिए सपोज दैट आपको एक क्वेश्चन दिया है, मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये आया है एनडीए में क्वेश्चंस आया हुआ क्वेश्चंस है कि अंडर रूट टू प्लस आई और अपान में अंडर रूट टू माइनस आई, इसका मॉडुलस मात्र दो या तीन सेकंड में फाइंड करना है, आप कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड कीजिए, ये एनडीए सेकंड 2012 का क्वेश्चन है, आप मात्र दो सेकंड में सॉल्व करके दीजिए इसको, ठीक है। क्या सॉल्व करेंगे आप, पहले सर्वप्रथम ए प्लस आई बी में फॉर्म में बनाएंगे आप पहले, तो इसको ए प्लस आई बी फॉर्म में बनाने में ही काफी टाइम लग जाएगा, इसके बाद आप मॉडल्स फाइंड करेंगे जेड इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अंडर रूट प्लस वाई स्क्वायर, इस तरह से फाइंड करेंगे, तो कोई बात नहीं, करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई भी इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए जो ऊपर प्लस नीचे माइनस या नीचे प्लस ऊपर माइनस दिया है, सपोज दैट ये दिए है या यही क्वेश्चन दिए है अंडर रूट टू माइनस आई और अपान में अंडर रूट टू प्लस आई, या टू माइनस आई अपान में टू प्लस आई, या डिजिट बदल सकती है फाइव प्लस आई और अपान में फाइव माइनस आई, इस टाइप के क्वेश्चन दिया है, तो सिंपल सी बात है, इनका आप मॉडुलस कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, सिंपल सा सीधे सीधे वन होता है, इनका मॉडुलस क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वन हो जाएगा, अर्थात इस टाइप के क्वेश्चन से दिए हैं जो ऊपर प्लस माइनस इस टाइप के हो, प्लस हो माइनस हो या माइनस हो प्लस हो, इस टाइप के क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे, उसका जो है जो मॉडुलस होता है वो हमेशा जीरो वन होता है, ध्यान रखिएगा ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखिएगा, अदरवाइज आप उसको ए प्लस आई बी फॉर्म में बनाने में ही काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसका सीधे मॉडुलस क्या होता है, मॉड ऑफ जेड, वो मॉड जेड क्या हो जाएगा, सीधे सीधे वन हो जाएगा, ठीक। चलिए आई होप आप ये समझ गए होंगे, समझ गए हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और लाइक करके एक बार शेयर जरूर कीजिए, और यदि आप पहली बार चैनल पर आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट ट्रिक्स, नेक्स्ट देखते हैं, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, उसका आपको रियल पार्ट फाइंड करना है, सपोज आपको क्वेश्चन दिया है साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स के पावर में क्यूब है, इसका आपको रियल पार्ट फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रियल पार्ट, रियल पार्ट फाइंड करना है, आप फाइंड करके दीजिए, कैसे रियल पार्ट फाइंड करेंगे, तो आप सीधे सीधे क्या करेंगे, सीधे इलर्स थ्योरम से लगा देंगे साइन थ्री एक्स प्लस आई कॉस थ्री एक्स, ये करेंगे आप साइन थ्री एक्स प्लस आई कॉस एक्स, आई कॉस थ्री एक्स, और रियल पार्ट क्या आ गया आपका साइन थ्री एक्स आ गया, लेकिन ये गलत है, आप इसको दोबारा चेक कीजिए क्यों गलत है, ठीक है, तो आप जानते होंगे इलर्स थ्योरम होती क्या है, इलर्स थ्योरम होती क्या है आप जानते होंगे, इलर्स थ्योरम होती है कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, अर्थात जो इमेजिनरी पार्ट में होता है वो साइन होता है और जो रियल पार्ट में होता है वो कॉस होता है, ये रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है, और के पावर में एन हो तब होता है कॉस एनएक्स और प्लस आई साइन एनएक्स, छोटी सी भूल वहां पे बहुत बड़ा आपको हानि पहुंचा सकती है, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिएगा ये इलर्स थ्योरम होती है, ये होती है इलर्स थ्योरम, कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स, ना कि साइन एक्स प्लस आई कॉस एक्स, तो पहले साइन एक्स को किसमें बदलेंगे, कॉस एक्स में बदलेंगे, और कॉस एक्स को किसमें बदलेंगे, साइन एक्स में बदलेंगे, तब इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो पहले सिंपल सी बात है साइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय टू माइनस का एक्स, ठीक, प्लस आई साइन पाई बाय टू और माइनस का एक्स, ठीक है, ध्यान दीजिए के पावर में अब है थ्री, तो ले आइए, अब रियल पार्ट क्या हो जाएगा, हमारा रियल पार्ट ये है, तो इसी भर को हमें फाइंड करना है, तो सीधे सीधे हो जाएगा कॉस थ्री पाई बाय टू माइनस का थ्री एक्स, थ्री पाई बाय टू माइनस का थ्री एक्स, और ये हो जाएगा कॉस
थ्री पाई बाई टू अपॉन टू माइनस का थ्री एक्स, ये क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है माइनस का साइन थ्री एक्स हो जाएगा। क्यों, आप ध्यान रखिएगा ये, आई होप आप समझ गए होंगे, समझ गया हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए। सीधे कॉस थ्री पाई बाई टू माइनस का थ्री एक्स क्या हो जाता है, माइनस का साइन थ्री एक्स हो जाता है, अर्थात आएगा तो साइन थ्री एक्स ही, लेकिन किसका आएगा, माइनस का साइन थ्री एक्स आएगा, आप देख लीजिए। ठीक है, आप कोई क्वेश्चन सामने है स्क्रीन के, आप देखते रहिए और सॉल्व किया करिए। ठीक है, तो यही थे आज के, ये जो मैंने आपको बताए हैं बहुत अच्छे ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट है, यदि आप इनको ध्यान में रखते हैं, ठीक है, मॉडल्स फाइंड करने के लिए, मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए, ठीक है, तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाएंगे। हाँ, एक और है कि यदि आप सीधे सीधे फाइंड करना चाहते हैं, अर्थात वन प्लस आई है और अपान में वन माइनस आई है, तो इसकी जो वैल्यू होती है हमेशा प्लस का आई होती है, अर्थात प्लस का आई, और वही यदि वन माइनस आई है और अपान में वन प्लस आई, इसकी जो वैल्यू होती है आपको सीधे सीधे माइनस का आई होती है। आप इस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो मत कीजिएगा, और बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चंस है, देखो इस टाइप के ट्रिक्स जो है आप ध्यान रखा करिए, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो ध्यान रखे जाते हैं, उनको जो है विदाउट ट्रिक्स से आप लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हुए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, यही थे आपके जो है कुछ कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स, और यदि आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, एक बार शेयर जरूर कीजिए, और यदि यदि आप पहली बार चैनल पर आए थे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि मेरी जो है नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू फ्रेंड्स।